प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं और मान लीजिए कि हमारे पास ये पैटर्न है जिसको हमें प्रिंट करना है। तो वंस अगेन जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, इस प्रीवियस लेक्चर में जो पैटर्न में देखा था उसमें तीन पार्ट्स थे, इसमें भी तीन पार्ट्स हैं। अगर हम इसको ब्रेक करें तीन पार्ट्स में, तो पहला पार्ट हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि ऐसा है और इस ट्रायंगल में जो नंबर्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं वो घटते हुए क्रम में हर लाइन में है। सेकेंड पैटर्न हमारा या सेकेंड पार्ट जो है वो ये वाला ट्रायंगल है जिसमें हर एक लाइन टू से स्टार्ट हो रही है और फिर ये बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। तीसरा जो इसमें पार्ट है वो स्पेसेस का है कि अगर हमने एन इक्वल्स टू फोर के लिए इसकी प्रिंटिंग की है तो सबसे पहले तीन स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, देन एक नंबर प्रिंट हो रहा है, देन दो स्पेसेस हैं, देन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, देन एक स्पेस है और नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं और फाइनली हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है लास्ट लाइन में। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले एन माइनस वन स्पेसेस प्रिंट होंगी, देन नंबर्स प्रिंट होंगे फॉरवर्ड मैनर में, एंड देन उसके बाद नंबर्स प्रिंट होंगे, सॉरी नंबर्स प्रिंट होंगे पहले बैकवर्ड फॉर्म में एंड देन नंबर्स प्रिंट होंगे फॉरवर्ड फॉर्म। एक और ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि जो बैकवर्ड फॉर्म में नंबर्स को प्रिंट करना है वो फोर से स्टार्ट करना है या नंबर को लाइन नंबर से स्टार्ट करना है। अगर लाइन नंबर वन है तो वन से स्टार्ट कर देंगे, लाइन नंबर टू है तो टू से स्टार्ट कर देंगे और लाइन नंबर थ्री तो थ्री से स्टार्ट कर देंगे। घटते हुए क्रम में इसको नंबर्स प्रिंट करेंगे और उतने ही नंबर प्रिंट करेंगे जितने जो कि लाइन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइन नंबर फोर की बात करते हैं, लाइन नंबर फोर में एक दो तीन चार नंबर्स हमारे प्रिंट होंगे, लाइन नंबर तीन में तीन ही नंबर्स प्रिंट होंगे। जो हमारा फॉरवर्ड वाला पार्ट है उसमें स्टार्ट हमारा प्रिंटिंग हो रहा है टू से और नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रिंट हो रहा है वो लाइन नंबर माइनस वन, इसका मतलब लाइन नंबर टू में केवल एक नंबर है, लाइन नंबर थ्री में दो नंबर्स हैं और लाइन नंबर फोर में तीन नंबर्स हैं, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में। भाई इसको हम रन करके देखते हैं और ये हमारा पार्ट है जो कि हम लोगों ने पिछले वाले प्रोग्राम में बनाया था। इसमें फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यूजर्स इनपुट करा लेंगे नंबर ऑफ लाइंस एंड देन उसके बाद फिर ये आउटर लूप ये बता रहा है कि कितनी लाइंस हमें प्रिंट करनी है, ये बता रहा है कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो हमें एन माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करने हैं, जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसेस हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि जो नंबर्स प्रिंट करने हैं वो बैकवर्ड फॉर्म में प्रिंट करना है, बैकवर्ड फॉर्म में प्रिंट करना है और हमें आई से इनिशलाइज कर लेना है उस नंबर को। तो हमने एम इज इक्वल टू आई ले लिया जिससे हम प्रिंट कराएंगे और कितने नंबर्स प्रिंट कराएंगे जो हमारा लाइन नंबर है। इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि एम की प्रिंटिंग के बाद एम को वन से रिड्यूस कर देंगे, तो एम माइनस माइनस कर देते हैं। जो हमारा नंबर प्रिंट करना है फॉरवर्ड फॉर्म में या थर्ड पार्ट में, उसमें जो नंबर प्रिंट करना है उसको टू से इनिशलाइज कर लेते हैं। टोटल नंबर जो हमें प्रिंट करने हैं वो लाइन नंबर माइनस वन प्रिंट करना है, इसलिए हम एक लूप ले लेते हैं जिसको आई माइनस वन टाइम्स तक रन करते हैं और उसके बाद फिर इस नंबर एक्स को प्रिंट कर देते हैं। फॉरवर्ड फॉर्म में चूंकि नंबर प्रिंट होना है इसलिए एक्स को प्लस प्लस कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है ये, इसको रन करके हम देखते हैं कि क्या सही है प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने फाइव के लिए इसको टेस्ट किया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो प्रिंटिंग हो रही है लाइन नंबर वन में टू में थ्री में फोर में फाइव में बिल्कुल वैसा ही है जो पैटर्न हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। और बड़े नंबर्स के लिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स हम इसको सेवन के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि सेवन के लिए भी ये बिल्कुल ही पैलिंड्रोमिक फॉर्म में हमारा प्रिंटिंग हो रहा है। हर लाइन में जो नंबर्स प्रिंट हैं वो पैलिंड्रोमिक फॉर्म में है और हमें देख के किसी भी पैटर्न को बहुत ही सिंपल तरीके से एनालिसिस करना है। अगर हमने सिंपल तरीके से एनालिसिस कर ली तो कोई भी पैटर्न हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल कम विथ मोर पैटर्न्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।